भिंड जिले के गोहद कस्बे में दिन दहाड़े बर्तन व्यापारी के घर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। इस मामले का खुलासा 24 घंटे बाद भी पुलिस नहीं कर सकी। हालांकि पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पुलिस पकड़ लेगी। इस मामले में 3 को पूछताछ के लिए उठाया है, जिनसे अहम सुराग हाथ लगने की बात कही जा रही है। इस सनसनी वारदात के बाद क्षेत्र के व्यापारियों में आक्रोश बना हुआ है। गोहद कस्बे के बर्तन कारोबारी रामकिशोर लोहिया के घर रविवार की शाम पुलिस की वर्दी 2 और एक बदमाश सादे ड्रेस में आए। उन्होंने शटर को खटखटाया। बदमाशों ने झांसा दिया कि आपके बेटा लकी के दोस्त के पास से हथियार पकड़े हैं, कारतूस व अन्य हथियारों की तलाश आपके घर में करनी है। झांसे में आकर व्यापारी ने घर का गेट खोल दिया। अंदर जाकर बदमाशों ने हाथ की सफाई दिखाई। इस समय व्यापारी की लड़की रिंकी ने बदमाशों की हरकत को देखा तो विरोध किया और चिल्लाते हुए बोली, पापा ये पुलिस नहीं है, चोर हैं। ये सुनते ही बदमाश हावी हो गए। बदमाशों ने बेटी रिंकी और व्यापारी राम किशोर को काबू करने के लिए बेटी के मुंह पर तकिया रखकर दबा दिया। थोड़ी ही देर में दम घुटने से उसकी मौत हो गई। वहीं व्यापारी के मुंह में भी कपड़ा ठूस कर बांध दिया था। इस दौरान घर का बेटा लकी बाहर था। बदमाशों ने वारदात को 4 से 5 बजे के बीच अंजाम दिया। घर के अंदर व्यापारी और उसकी बेटी और बेटा लकी रहता है। व्यापारी की पत्नी की मौत कुछ साल पहले हुई थी। वारदात के समय घर के अंदर बेटी व पिता थे। बेटा दोपहर 2 बजे से गायब था। जब शाम करीब 7:30 बजे रामकिशोर लोहिया के घर का दरवाजा खुला दिखा तो पड़ोसी मुन्ना को संदेह हुआ। उसने घर में जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था। बेटी रिंकी बेशुद्ध थी। वो तत्काल बाहर आया और उसने लोगों को घटना बताई। फिर वापस घर में गया, आवाज लगाई तो लोहिया ने भी आवाज लगाकर उन्हें पुकारा। आसपास के लोगों के सहयोग से उन्होंने व्यापारी की रस्सियां खोली। सभी ने रिंकी को देखा तो वह अचेत थी, दम घुटने से उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना पर रात करीब 10 बजे पुलिस भी यहां पहुंची। रिंकी के सबको अस्पताल पहुंचाया, जहां पुलिस ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। ये घटना पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैली। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान भी देर रात मौके पर पहुंच गए थे। व्यापारी के घर लूट व बेटी की हत्या के बाद व्यापारियों में आक्रोश छाया हुआ था। सोमवार को गोहद कस्बे के व्यापारी विरोध में उतर आए। उन्होंने पूरे क्षेत्र का बाजार बंद रखा। व्यापारियों के विरोध के बाद पुलिस भी सक्रिय दिखी। पुलिस ने व्यापारियों को समझाया। भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान पूरे समय गोदाह में रहे। हर एक सुराग को बारीकी से टटोला जा रहा है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को पुलिस ने उठाया। इस वारदात में बदमाशों ने 5 करोड़ के आसपास की लूट की है। हालांकि पुलिस की FIR में 20 से 25 लाख की लूट व हत्या की FIR दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में पुलिस को व्यापारी के बेटे को भी पूछताछ के लिए बैठाया है। हालांकि पुलिस को अहम सुराग लगे हैं। वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। ये बदमाश मालनपुर क्षेत्र के आसपास के बताए जा रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एक ज्वेलर्स को उठाया है, जिसके पास से सोने के कुछ गहने मिलने की बात कही जा रही है। वहीं पुलिस व्यापारी के बेटे से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एक अन्य बदमाश को भी पुलिस ने उठाया है। इस घटना को अंजाम देने वाली मुख्य 3 बदमाश हैं, जिनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस की 3 पार्टी रवाना हुई है। व्यापारी लोहिया के नजदीकी सदस्यों ने बताया कि बेटी रिंकी की शादी पक्की हो चुकी थी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भाई सब क्या सब कुछ चला गया, सब कुछ 10 रुपए नहीं छोड़ेगा, 10 रुपए से घर छोड़ेगा। कितने 20 लाख बता रहे आप, कितने मेरे 20 लाख बताए नगद थी और जीवन पुरानी बन गया तो सब हो गया। कितना हो रहा बोलो, कितना माल हुआ है? 3.5 कितना बजे? 3:30 जिसमें 2 पुलिस की वर्दी में थे और एक जो है वो सिविल में था। उन्होंने उनके लड़के के विषय में पूछा कि उसके द्वारा कोई घर में अवैध सामान रखा गया है क्या। उसके में पूछताछ करते हुए तलाशी ली और तलाशी लेने के बाद जब इनको कुछ शक हुआ तो इनको और इनकी बेटी को अंदर बांध के रख दिया और इनका जो भी सामान था वो लेके चले गए। और उसके बाद जब ये छूटे हैं करीब 9 बजे के आसपास, तब पुलिस को ये जानकारी लगी। हम लोग सभी तत्काल अभी मौके पर पहुंचे हैं और इसमें पूरे घटनाक्रम की हम लोग इसमें बारीकी से जांच करते हुए, हम लोगों ने जितने हमारे ऑफिसर्स हैं इम्पोर्टेंट, सबकी एक संयुक्त टीम बनाकर इसकी तत्काल जल्दी से जल्दी शीघ्र हमारे युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को दाम मिले,
और हमारा युवा एक प्रगति के पथ पे और भारत के विकास में युवा का युवा अग्रणी रहे, ये हमारी युवा के युवाओं से प्रार्थना है और छोटे भाइयों को ये संदेश है कि वो नशे का परित्याग करें, शिक्षा के क्षेत्र पे काम करें, अपने छोटों का सहयोग करें, बड़ों का सम्मान करें। एक बार फिर इस अमृत महोत्सव के आज़ादी के इस महान पर्व पे सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम। थाना प्रभारी सलेहा जिला पन्ना अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक पंकज मिश्रा, रोजगार सहायक पंचायत भुलगवा। हाजी फैजान खान, डायरेक्टर जीएन एजुकेशन सेंटर एवं राइसविल रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नरेश मंगल, प्रबंधक मेसर्स इंडियन गैस सर्विस रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमती राधा द्विवेदी, पत्नी किशन द्विवेदी, ब्लॉक प्रमुख रसूलाबाद, खंड विकास अधिकारी कमलेश कुमार रसूलाबाद कानपुर देहात की ओर से प्रदेश व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भादाकुई की ओर से समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासियों को स्वतंत्रता दिवस जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सरपंच माया धर्मेंद्र उइके, उप सरपंच सिंह मीणा, सचिव देवी सिंह मीणा, रोजगार सहायक मुकेश मीणा, ग्राम भादाकुई पंचायत, जनपद पंचायत नसरुल्लागंज, जिला सीहोर। दंत चिकित्सक डॉक्टर वीरू वर्मा जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भुलगवा जिला पन्ना की सरपंच श्रीमती शीला दहायत, सचिव वाल्मीक राठौर एवं ग्राम पंचायत रोजगार सहायक पंकज मिश्रा की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ममता शर्मा जिला पंचायत सदस्य, योजना समिति सदस्य, कांग्रेस जिला पन्ना की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम पंचायत भाटिया जिला पन्ना की सरपंच अनु वर्मा उर्फ अंजुम बानो एवं रोजगार सहायक शकील खान की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीणा एवं थाना प्रभारी सलेहा अभिषेक कुमार पांडे की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जनपद अयोध्या से भावी बीकापुर नगर पंचायत प्रत्याशी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मसौदा के मशहूर बंगाली दवाखाना के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवेश कुमार वर्मा की तरफ से सभी सम्मानित देश व प्रदेशवासियों को अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर 15 अगस्त, नागपंचमी, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।